ये वीडियो मैं छोटी सी बना रहा हूँ कुछ पॉइंट्स घी के ऊपर लेकर। देखिए पहले भी मैंने जैसे कई बार जो है इस पर बात की है कि इतना एडल्ट्रेशन है मिल्क और घी में कि ये एक आम बात है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इतना पैसा दे रहे हैं क्या हमको सही चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। एक बिलोना घी क्या होता है? बिलोना घी मतलब होता है दूध से आपने दही जमाई, दही को आपने बिलोया एक मथनी से जिसमें लेफ्ट राइट एक मूवमेंट होता है, और उससे एक मक्खन आपको निकला और मक्खन को आपने पिघला के घी बनाया, इसको कहते हैं बिलोना घी। अब दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी, तो कितनी क्वांटिटी लगती है 1 लीटर घी बनाने में, लगभग ये फैट पर डिपेंड करता है। मान के चलते हैं कि ऑन एवरेज देसी गाय का दूध में 4% के आसपास फैट होगा, कई बार कम भी होता है थोड़ा सा, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी होता है बेस्ड ऑन सीज़न, वो कितने दिनों से दूध दे रही है, फॉडर, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं। तो आपका 25 से 30 लीटर दूध लग जाता है 1 लीटर घी बनाने में। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप 100 रुपये लीटर भी एक दूध की कॉस्ट मानते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट इसके ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती है आपकी, लेकिन आप 1,000 रुपये में घी नहीं बेच सकते। 2,500 से 3,000 रुपये तक तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, 12% GST हो गया, तो कोई कैसे इसको 300 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये लीटर बेच सकता है? तो वो क्या करते हैं, तो बटर ऑयल्स आते हैं, मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे फ्लेवर्स कलर्स आते हैं जिसमें आप एडल्ट्रेशन करते हैं। आप या तो बफलो का घी मिला देते हैं या आप HF जर्सी का क्रीम से बना हुआ घी मिला देते हैं। क्रीम से कैसे बनता है, जितनी भी बड़ी डेयरीज होती हैं ये दूध इकट्ठा करती हैं, इनके पास कोई गाय नहीं होती है, तो जब आप दूध इकट्ठा करते हैं वो एक साथ कंटेनर में आता है, उसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से घुमाते हैं और चर्न करते हैं और क्रीम ऊपर आ जाती है, उस क्रीम को पिघला के आप घी बना लेते हैं, तो वो और जो बच जाता है वो आप टोंड मिल्क की तरह से उसको बेच लेते हैं। तो ऐसी संस्थाओं के लिए मैथ्स अलग होती है, फिर आप 5, 6, 7 लीटर दूध से आप शायद वो घी बना सकते हैं क्रीम वाला, ठीक है, तो शायद उसी वजह से उनकी कॉस्टिंग कम भी होती होगी। लेकिन ये बिल्कुल सिद्ध है कि अगर कोई बिलोना घी बना रहा है और अच्छे से अपनी गायों को खुद पालता है रखता है, तो घी की कीमत 2,500 रुपये, 3,000 रुपये से कम हो ही नहीं सकती। बहुत से लोग GST का बिल नहीं बनाते हैं, ये चीज़ आपकी चॉइस में नहीं होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है ये नॉर्म्स है कि आपको GST लगानी है, ठीक है। तो बेसिकली बी वाइज, ठीक है, डोंट फॉल फॉर यू ना वेरी कलरफुल घीज। अक्सर होता है लोग देखते हैं अरे ये बड़ा चमकीला घी है पीले रंग का, तो जरूरी नहीं है कि चमकीला घी है तो वो सही घी है, उसके सोर्स के बारे में पता करिए, कौन सी संस्था से बेच रही है, क्या उनके पास गायें हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सब चेक करना जरूरी होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि घी हमेशा या तो पिघला या सेमी या बिल्कुल जमा कोई भी स्टेट में हो सकता है बेस्ड ऑन द सीजन। ये कोई टेस्ट नहीं है कि घी मेरा थोड़ा जमा हुआ है, थोड़ा पिघला हुआ है, डिफरेंट बैचेस हो सकते हैं, तो इसका कोई भी टेस्ट नहीं है कि ऐसा कि घी ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए या वो पीले ही कलर का एकदम होगा डार्क, कई बार वो हल्का पीला होता है बेस्ड ऑन फॉडर। अगर फॉडर ग्रीन नहीं है तो घी में उतना पीलापन नहीं होगा, और अगर रेनी सीजन का फॉडर है या विंटर्स का है तो घी थोड़ा ज़्यादा पीला होगा। देसी, मैं आपको सिर्फ देसी गायों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी ये समझने के लिए कि आप कौन सा घी अपने लिए चूज करें। रिमेम्बर, घी इज लाइफ, घी इज कॉल्ड एज द फूड ऑफ गॉड्स। घी से ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बिलोना घी में DHA होता है जो अगेन ब्रेन और बॉडी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप 2 चम्मच घी रेगुलरली लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको कभी हार्मोनल इश्यूज जो आजकल PCOS PCOD सुनने को मिलते हैं ये नहीं होंगे, और अगर हैं तो उससे अगर आपको लड़ना है तो उसके लिए उसका इलाज ही देसी गाय का शुद्ध 2 चम्मच बिलोना घी है जो आपको डेली कंज्यूम करना है। बच्चों के लिए तो ये अमृत है, 0 से 7 ईयर्स तक घी और मक्खन उनको जरूर देना चाहिए, उसी से ब्रेन डेवलपमेंट होता है सबसे अच्छा। थैंक यू।